इसलिए मैं चाहता था, क्योंकि मेरा खेल भी रहा है, मैं जब स्टूडेंट लाइफ थी तब मैं क्रिकेट खेलता था, उसके बाद हम लोग जब चौड़ी आए तो फिर हम लोग वॉलीबॉल शुरू कर दिए, तो देखने में अच्छा लगता है। जब हम लोग कोई खेल देखते हैं तो हमें लगता है कि जैसे हम लोग ही खेल रहे हैं मैदान में, इसलिए किसी खिलाड़ी से अपना खेल देखते हैं। लेकिन ये मौका आज मुझे नहीं मिल पा रहा है, आज मुझे मजबूरी है कि मुझे पुराना जाना पड़ेगा। और मैं अभी प्रधान जी ने कहा कि गुशहरी, वो कहते कि हमारे गांव जैसा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे गांव जैसा है, गुशहरी हमारा गांव ही है। गुशहरी कभी अपने गांव जैसा नहीं माना, गुशहरी को अपना गांव ही माना है। रेलवे लाइन पर बीच में है, लेकिन हम लोग बीच में कोई दूरी नहीं है, हम लोग आपस में एक हैं। हमेशा से आधे लोग यहाँ के जो खड़े हुए हैं, मेरे साथ के पढ़े हुए हैं या मेरे आगे पढ़ रहे थे, तो मेरे पीछे पढ़ रहे थे, सब लोग एक ही विद्यालय में, एक ही स्कूल के साथ में, एक ही इचौली गुजारी नैनपुर, सब एक ही गाँव में, कोई अंतर नहीं है। और आगे बस मैं जरूर कोशिश करूँगा कि समय निकाल कर के आपके बीचों में मैच भी देखूँ। पाकिस्तान ये भी बता दें, जो मिले हैं कि 6 फरवरी को चौली का दंगल था, दंगल होगा उसी तरह होगा जैसे हड़ताल होगा, उस तरह नहीं होगा, क्योंकि वॉलीबॉल की टीमों से जब संपर्क किए तो कोरोना के चलते टीमें बाहर की आने को तैयार नहीं, और जब वॉलीबॉल की टीमें ही नहीं आएंगी तो फिर मैच होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो इस साल खत्म तो नहीं किया, क्योंकि परंपरा थी, तो जो लोग आ जाएंगे तो अपना उसको मेले के रूप में देखेंगे गाँव भर के बच्चे, और बाकी जो है जो 2-4-10 पैनल आ जाएंगे वो लोग कुश्ती लड़ेंगे। लेकिन दंगल उस तरह नहीं हो पाएगा जिस तरह हम लोग हर वर्ष करते थे, और उसको कोशिश करते थे कि बड़ा हर साल बढ़ाने का काम करें, लेकिन कोरोना की वजह से वॉलीबॉल की टीमें नहीं आ पा रही है, इसकी वजह से मैच इस साल होंगे नहीं। मैं आपको ये भी बता दूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस साल जीपीएस